विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने सारे देश में हल्ला बोला है हिंडनबर्ग मामले को लेकर। कांग्रेस गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शन के लिए उतरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिसेस को घेरा है। पीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर अलग अलग जेपीसी जांच, दरअसल वो जेपीसी जांच और इसके अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान यही मांग सामने रखी गई कि इस प्रकरण की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतरी और पैदल मार्च करते हुए ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं पुलिस ने घेराव के दौरान कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दिए। 80% संपत्ति देश के गरीबों की दो लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, ईमानदारी का, न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है, क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है। ये सरकार डरपोक सरकार है। अगर ये साफ है तो क्यों ना जेपीसी करवाते हैं, ईडी से जांच क्यों नहीं कराते, सीबीएसई क्यों नहीं कराते हैं? क्या सीबीआई और ईडी विपक्षियों के लिए है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा, पूरे सदी का एक सबसे बड़ा एक तरह से घोटाला है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जब तक ये जेपीसी नहीं होगी, जब तक लड़ाई लड़ती रहेगी इस जनता की, जनता के लिए।